तू ही पिता है, तू ही तो ही माता सा मेरा रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम रहा वो काफी संपन्न रहा, काफी धूमधाम से मनाया गया श्री शक्ति सेवा संगठन की तरफ से। कथा कुछ ही क्षणों में आरंभ होगी और आज ही हवन का कार्यक्रम है, चूंकि लगातार तीसरा दिन है आज और आज कथावाचक परम पूज्य श्री रसिद रिवाज जी महाराज के हार बिंदु से शिव पुराण का जो कथा का श्रवण हो रहा है, लोग इससे आनंद ले रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं और भगवान शिव की कृपा भी हो रही है। कथा की शुरुआत हो चुकी है, लोग बड़े पंडित जी लोग को पूजन करने के बाद कथा का आरंभ होगा और इसके साथ ही आज हवन का भी कार्यक्रम है। क्या क्या कार्यक्रम है महाराज जी आज का कार्यक्रम? अभी कथा होगा, पहले कथा के साथ साथ में हवन भी चलेगा, दोनों तरफ की साथ में पूर्णाहुति होगी। तो ये तीन दिन का जो कथा का ये श्रवण करा रहे थे रसिक जी महाराज, तो आज अंतिम दिन है, आज अंतिम और इसके अंतिम दिन में ये हवन के साथ ही कथा का समापन होगा। समापन होगा जी। नाम बताएं आप? मैं अपना नाम श्याम सुंदर मिश्रा, अच्छा मंदिर दार्जिलिंग मोड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी इस विषय में? सबसे बढ़िया जो आयोजन किया है, सबसे बढ़िया हुआ है जो शिव शक्ति संगठन है, इतना बढ़िया आयोजन किया है, ये करते रहे, भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे, भगवान से हम साथ में रहते और महिला आगे बढ़ते रहे। यत्र नारियस्तम उज्जयन्ति रमन्ति तत्र देवता, जो नारी का सम्मान होता है, नारी के इतना हम पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहे, भगवान का शक्ति मिले हमारा ये। नाम बताएं जी, नाम क्या हुआ आपका? हमारा हरि शर्मा। महाराज जी दो शब्द आप बोल दें, आज जो तीन दिन का कथा ये चल रहा था उसी के संदर्भ में। सभी को प्रणाम। श्रावण माह के परम पावन अवसर और पुरुषोत्तम मास के इस पुनीत अवसर पर शिव शक्ति सेवा संगठन द्वारा मारवाड़ी पैलेस उत्तरबंग में जो ये श्री शिव कथा हो रही है, इससे क्या है कि शिव हमारे सृष्टि के आदि देव, इसलिए उनको आदि योगी कहते हैं।
और सभी गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए उनको आदि गुरु कहते हैं। और सभी देवों के भी देव है, आदि देव महादेव कहते हैं। तो उन्हीं की कथा यहाँ हो रही है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, हम कथा क्यों करते हैं कि क्योंकि हम सनातन से जुड़ जाए, अपने मूल जड़ से जो हमारा सनातन धर्म है इससे जुड़ जाए, और जब जो भी धर्म का जो निहित तत्व है उसको जान सके। और यहाँ से दो मिनट में तो हम सब कुछ कह नहीं सकते, सार बता दो। सार बस यही है कि भवसागर से, दुखों से, कष्टों से हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे हम पर भोलेनाथ की कृपा होगी, बस इसीलिए हम सब जानने के लिए शिव पुराण सुना जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कथावाचक परम पूज्य श्री रसिक रिवाज जी महाराज से आपने सुना, और इसी के साथ कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज अंतिम दिन है, यज्ञ के साथ ही इस कथा का समापन होगा। ध्रुव महाराज जी हैं जो इस कथा के रुद्राभिषेक के और इसके आधार बने हैं, उनसे थोड़ा सा हम जानते हैं इस विषय में। महाराज जी, हर हर महादेव। शिव शक्ति सेवा संगठन द्वारा महापुराण अमृत रुद्राभिषेक भारत केंद्र की पूजा और कथा का आज समापन दिन है। एक ही हवन होगा सावन से, सभी सिंहपुरी वासी, सभी विश्व में रहने वाले हिंदुत्व रक्षा करने वाले समस्त भाई बहनों को सभी मेरे साथ शिव पुराण के तरफ से सभी को सुनने से शुभकामना। ऐसे श्रावण महीना पुरुषोत्तम मास, सप्तम मास है, हम सब एक होकर के सभी फूलों से एक बन गए, एक माला बन के धर्म को रक्षा करने के लिए सभी आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव महाराज जी थे, नवग्रह मंदिर जो दार्जिलिंग में है। आप 10 विद्या 13 विद्या की 10 विद्या है महाराज, 10 विद्या का। और ध्रुव पंडित ध्रुवा उपाध्याय जी महाराज, जिन्होंने वहाँ नवग्रह मंदिर का, ये इन्हीं का नवग्रह मंदिर है और दार्जिलिंग मोड़ पे स्थित है। इन्हीं के नेतृत्व में इस श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ है और आज समापन है। सबके मंगल कामना के साथ ही इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। जय हो। अरे ये बोलिए दीजिए, श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। कल आप कथा का शुभारंभ हो रहा है, आज अंतिम दिन है। भगवान भोले की कृपा आप सब पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। जय शिव शंभो, हरि हरि महादेव।